बीच में थोड़ा सा सो गया था। वर्स्ट मूवी वेस्ट। मिसयूज कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए इसको लेके। तो पब्लिक बोर हो रही थी, सुबह सुबह चुम्मा चाटी देखने को मिल गया मेरे को, तो मजा नहीं आया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही स्लो फिल्म है, बीच में थोड़ा सा सो गया था। बहुत लंबा है यार, अरे भाई बहुत बकवास है, बहुत लंबा मूवी है, इतना 4 घंटे का मूवी चूतिया, वो ऐसा लग रहा है सीरियल देख रहा हूँ। फालतू मूवी है, मत देखो। चूतिया फिल्म ना नहीं देखे, सेकंड हाफ इतनी पका हुआ है, मत देखना। नहीं नहीं देखना, रणबीर ही अच्छा था। इसके अंदर एक्चुअली विलन रहता है गुंगा, अपना हीरो रहता है बैरा। ऑडियंस देख के हो जाएगी अंधी, अंधा हो जाएगा। 3 घंटा 13 मिनट का मूवी है, वर्स्ट। उसका बात करते वक्त एक्सेंट है उसका, वही साउथ इंडियन एक्सेंट है, और बस वॉयलेंस, दैट्स इट। चुम्बा चाटी है, नॉट फॉर किड्स। वर्स्ट मूवी वेस्ट। बॉबी देओल इज वेस्ट। रणबीर कपूर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, इट्स ओके, बट सिंपली बॉबी देओल इज वेस्ट। फ्लॉप। डायरेक्टर को क्या बोलना चाहोगे लास्टली? वेस्ट कर रहे ऑडियंस का टाइम भैया, 3 घंटा 13 मिनट का मूवी, अगर कोई जाएगा ना, मैं बोलता हूँ बेचो ग्लूकॉन डी साथ में लेके जाओ। एनिमल, संदीप रेड्डी वांगा, या संदीप वांगा रेड्डी, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी पिक्चर। बहुत एक्साइटेड था, रास्ते जागा था, और फाइनली मैंने बैंड्रा ग्लोबस में देख लिया, डॉगी भाई का फेवरेट प्लेस जहाँ पे था, उन्होंने चैलेंज किया था मुझे, तो मैंने वहाँ मूवी देख लिया। मिले थे हमारे डॉगी भाई भी, बस खुन्नस दे रहे थे, थोड़ा देख रहे थे, मैंने भी देखा बट कुछ बोले नहीं, पता नहीं, छोड़ो उनके बाद टॉपिक हटा दो, मूवी पे आते हैं। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, मूवी का जो प्लॉट था मतलब वो बहुत अच्छा था। हालांकि हमने बाप बेटे का कॉन्वर्जेशन पहले भी देखा है, बाप बेटे का जो बॉन्डिंग है वो पहले भी देखा है, पहले भी मूवीज़ में हमने देखा है, अनिल कपूर की चाहे महमूद की ले लो पहले की, बट ये थोड़ा अलग था, प्लॉट एक ही था, बट जिस स्केल पर शूट किया गया है ना वो बहुत बढ़िया थी, और मूवी काफ़ी अच्छी है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में मैं इतना एक्साइटेड था ना मूवी को लेके कि भाई अब देखूंगा, अब देखूंगा, अब देखूंगा, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। सही बताऊं आप भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इतनी मूवी मुझे अच्छी लग रही थी। तो यार सीरियसली मूवी मुझे फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा, फिर सेकेंड हाफ को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट था मुझे एक्चुअली। सेकेंड हाफ में मैं जैसे गया ना तो मैं इतना थक गया कि मतलब इतनी थकी हुई लगी मूवी, मैं भी इतना नहीं थका था जितना फिर मूवी मुझे थकी हुई लग रही थी। बात करूँ डायरेक्शन की ना, फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन संदीप वांगा रेड्डी, हेड्स ऑफ 2017, कबीर सिंह कौन भूल सकता है। उसके बाद ये मूवी आई है उनकी बॉलीवुड में, तो यार डिसअपॉइंट किया उन्होंने सेकंड हाफ में, बट ओके, थोड़ा समझाने में लगे थे मूवी को कि चुम्मा चाटी, रश्मिका मंदाना, तो रश्मिका मंदाना की बॉन्डिंग ऐसी थी ना रणवीर कपूर के साथ, मुझे उनकी वाइफ कम और मेड ज़्यादा लग रही थी, मतलब काम वाली मुझे ज़्यादा लग रही थी, कहीं ना कहीं मुझे उनकी वो नर्स की याद दिला रही थी या झाड़ू मारने वाली की याद दिला रही थी, ज़रा भी उन पर मतलब सूट नहीं हुआ। मतलब बॉलीवुड क्या करना चाहता है आखिर, मतलब आप टैलेंटेड एक्टर्स को मौका नहीं दे रहे, आप जो न्यू कमर्स है उनको मौका नहीं दे रहे, क्या वही है फिर कास्टिंग काउच? संदीप वांगा रेड्डी सर, ऐसे लोगों को आप चांस दे रहे हो? माना कि उनके अंदर ग्लैमर भर भर के पड़ा है, उन्होंने दिए बोल्ड सीन भी दिए रणवीर कपूर के साथ, बेड पे, सोफे पे, इधर उधर, बच्चों को बिल्कुल ना लेके जाए, ऐसे ऐसे सीन है, फैमिली के साथ जाए मूवी, बस अपनी वाइफ के साथ जाए, तो रश्मिका मंदाना मुझे वहाँ नहीं जमी। और अगर मैं बात करूँ रणवीर कपूर की, तो भाई वो जिस तरह का एक्टर है ना, 70s और 80s के ज़माने में हमारे अमिताभ बच्चन होते थे, काला पत्थर, दीवार, लावारिस, शराबी, ये सब मूवी में अमिताभ बच्चन ने जो अपनी स्केल बताई ना, तो आज वो रणवीर कपूर बता रहे हैं उनकी मूवी में, चाहे वो रॉकस्टार हो, चाहे वो संजू हो, चाहे आप रिसेंटली यही ले लो एनिमल। तो जिस तरह की बंदे के अंदर पोटेंशियल है ना, हेड्स ऑफ है, झुककर सलाम करता हूँ उस बंदे को मैं, मतलब यार वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो इस यूनिवर्स का नहीं है, अलग एक्टर है, उस बंदे की मेहनत के लिए ना यार एक बार सबको ये पिक्चर देखनी चाहिए। बॉबी देओल का कैसा हो गया पता है क्या आपको? मतलब स्टार्टर दिखाकर पीछे ले लिया, मतलब आपको इनवाइट किया कि आओ खाना शादी में भर भर के मिलेगा, बट जैसे आप खाना खाने गए ना तो खाना ख़त्म हो गया। बॉबी देओल का कुछ ऐसा सीन था यार, मतलब आप इतने बड़े एक्टर को जिसने मतलब रेस 3 से कमबैक किया सलमान खान के साथ, उनका नेगेटिव रोल हमने आश्रम में देखा, आप ऐसे एक्टर को यार मतलब मिसयूज़ कैसे कर सकते हो? संदीप वांगा रेड्डी, आपको जेल होनी चाहिए इसके लिए।
मतलब आप कैसे इतने बड़े एक्टर का मिसयूज करते हो, मतलब आप उनको गूंगा बना दिए। अरे भाई वो बंदे को कुछ बोलने तो दो, आपने दो सीन में पूरा ख़त्म कर दिया। एक तो इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन इतना थका हुआ दिया यार, मतलब बोलते ना कि घर पे मेहमान आया, सलाम दुआ किया और चला गया, वैसा उनका इंट्रोडक्शन था। जिस तरह का रणवीर कपूर का इंट्रो था ना, उनके इंट्रो में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और सेकेंड हाफ बॉबी देओल का, मतलब फाइटिंग सीन्स वो एंड था उनका, वो तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया बॉबी देओल का जो काम। हालांकि वो एक्टर बहुत अच्छा है, पोटेंशियल भर भर के पड़ी है उसके अंदर, बट संदीप वांगा रेड्डी पूरा कंसंट्रेशन आपने रणवीर कपूर के ऊपर। भाई वो खानदानी एक्टर है, आप जानते नहीं हो, शम्मी कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर खानदानी खानदान से चला रहा है उनका, ये तीसरी पीढ़ी है। वो तो एक्टिंग उसके खून में भरी है, उसको मत सिखाओ एक्टिंग कैसे करनी है, उनको सिखाओ जिनको आपको सिखाना था, जो आपने नहीं सिखाया आपको आई एम श्योर आपके ऊपर FIR होनी चाहिए इसको लेके। लव स्टोरी, अच्छा अच्छा लव स्टोरी, भाई देखो ऐसे दिखाया ना इसको, मतलब अलग एक अलग स्केल पर दिखाया है हर चीज़ को, मतलब ऐसे डिफाइन किया है ना इस मूवी में। अगर रश्मिका के साथ करूँ मैं बॉन्डिंग की, तो एक रणवीर कपूर मतलब इसमें दोगला निकला यार, मतलब पहले बोलता है कि कसम खाता है कि मैं तेरे साथ धोखा कभी नहीं करूँगा, उसके बाद एक जोया नाम की रहती है उसके साथ सो जाता है। अरे यार ये क्या बात हुई, मतलब डिवोर्स तक बात आ गई, भाई के घर तक टूटने की बात आ गई थी यार, तो यार थोड़ा पार्शलिटी लगी कहीं ना कहीं, बट ऑल ओवर मूवी अच्छी है। आपको पता है इसके अंदर सारे कपूर्स भरे, मतलब सारे हाउस के पुजारी इसके अंदर ही है, चाहे वो आप प्रेम चोपड़ा को लो, चाहे डिस्कॉन डिकी शक्ति कपूर को लो, चाहे आप फिर बॉबी देओल को लो, या फिर बोलते ना अनिल कपूर को लो, तो सारे कपूर इसके अंदर ही भरे पड़े। तो जितने भी कपूर थे आपने काम लिया ही नहीं, शक्ति कपूर को आपने मतलब इतना फीका रोल दिया, मतलब एक उनको सिर्फ गाइड कर रहे, अरे दो यार, मतलब उनको भी जब आप इतनी बोल्ड मूवी बना रहे हो, आपकी मूवी को ए सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आप मतलब दो ना थोड़ा। शक्ति कपूर बुढ़े हो तो क्या हुआ, इंसान बुढ़ा हो गया ना, दिल तो जवान है। और प्रेम चोपड़ा को आपने इतना थका हुआ रोल दिया, तो यार इनसे थोड़ा बराबर काम नहीं ले पाए हो संदीप वांगा रेड्डी ने। वैसे तो इस मूवी को मैं 5 out of 2 stars दूंगा, अगर किसी को 5 stars देना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ रणवीर कपूर को दो, क्योंकि जो बंदे ने कमबैक किया है ना, मतलब यार हैट्स ऑफ है रणवीर कपूर, आप इस सदी के अमिताभ बच्चन हो, मार्क माय वर्ड्स सर, यू वेलकम। एनिमल, मतलब कि मूवी का टाइटल है एनिमल, मुझे ऐसा लगा थिएटर में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ जानवर देखने को मिलेंगे, टाइगर, चीता, शेर, हाथी, लोमड़ी, कुत्ता, लेकिन हम मुझे देखने को मिला रणवीर कपूर, जो कि संदीप रेड्डी वांगा ने उनका टाइटल दिया है सुपर स्टार ऑफ रणवीर कपूर। तो चलो अच्छी बात है, अभी हमारे जो बॉलीवुड के जो सुपर स्टार है वो अब रणवीर कपूर हो गए हैं। तो चलिए मूवी पर आते हैं, तो मूवी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जब उन्होंने कबीर सिंह बनाई थी उसी वक्त उन्होंने कहा था अपने ऑडियंस को कि जो वायलेंस कर रहे हैं उनको मैं वायलेंस दिखाऊंगा, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से वायलेंस दिखाया कि मेरी फट गई और ऑडियंस की भी फट गई। फर्स्ट हाफ की बात करें तो यार माइंड ब्लोइंग जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया ना भाई मूवी को, मुझे ना संदीप रेड्डी वांगा को ना चूमने का मन कर रहा है यार, भाई आपका हाथ किधर है मैं चूमना चाहता हूँ, मतलब क्या डायरेक्शन किया आपने। रणवीर कपूर भाई किधर रहते हो आप, बम्बई में मुझे एड्रेस दो, मैं आपको भी चूमना चाहता हूँ यार, क्या एक्टिंग किया उन्होंने यार, सुपर, मतलब कि जितना भी करेक्टर देख लो उनका, उनके लुक्स की देख लो बात यार, मतलब बच्चा से लेके दाढ़ी वाला लुक तक यार सुपर सुपर। वो एक सीन था यार स्कूल में जब उसकी बहन को छेड़ता है ना, वो जब बंदा जो स्वेग में जाता ना वहाँ पर, जो तोड़ फोड़ करता ना वहाँ पर, यार मेरा तो दिल फिदा हो गया रणवीर पे, बोला यार भाई आप लास्ट सुपरस्टार सच में हो, सच में आप लास्ट सुपरस्टार हो। लेकिन अब हम आते हैं रश्मिका मंडाना पे, भाई रश्मिका मंडाना हमें झुकेगी नहीं साली, मतलब कि यार क्या यहाँ झुकना नहीं है, वो पुष्पा नहीं है यहाँ पे, ये बॉलीवुड की फिल्म है। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, आपसे बेटर हिंदी कैटरीना कैफ बोल रही है यहाँ पे लंदन से आके, उनका हिंदी बहुत साफ हो गया, लेकिन आप इंडिया में रह के आपकी हिंदी का क्या हो गया भाई, लिटरली बोलूँ ना उनका हिंदी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल के जा रही है, उनका एक्सप्रेशन वही सेम टू सेम पूरी मूवी में निकाल दी बंदी लिटरली। तो मुझे ना कहीं रणवीर कपूर का जो केमिस्ट्री था रश्मिका मंडाना के साथ, मेरे को मज़ा नहीं आया यार, लिटरली मुझे मज़ा नहीं आया। बाकी का जो एक्शन सिक्वेंसेस था, देखो अभी टाइगर जिंदा में एक अलग गन चला था, फिर उसके बाद KGF चैप्टर 2 में एक अलग गन चला था, उसके बाद विक्रम में एक अलग गन चला, लेकिन रणवीर कपूर का कौन सा गन दे रहे हो भाई, माँ कसम 5-10 मिनट गन चलाए जैसे लगा कि पूरा थिएटर नीचे गिर जाएगा, चला रहा तो चला रहा, मतलब इसकी माँ का वो सीन बहुत ज़बरदस्त था, पूरा गुजबम सीन था, सुपम। फर्स्ट अप पूरा पैसा वसूल, 220 रुपये दिया मैं, मेरा 110 रुपया वसूल, लेकिन 110 रुपया मेरा डूब गया,
वजह ये है कि जब इंटरवल हो गया समोसा पॉपकॉर्न खाने के बाद बैठा मैं, उसके बाद जो मूवी स्टार्ट हुई मुझे ऐसा लगा कि अब वायलेंस आएगा, घंटा वायलेंस आएगा। यहाँ रणवीर कपूर का चड्डी उतर गया, पैंट उतर गया, लंगा हो गए वो। अरे भाई क्या दिखा रहे हो, रणवीर कपूर ऐसे पागल हो गए चार गोली खा के कि वो लंगा घूम रहे पूरे घर में, पेट निकल गया बाहर। रश्मिका प्रेग्नेंट हो ना हो, यहाँ रणवीर कपूर प्रेग्नेंट दिख रहे हैं। मतलब कि यार कि इतनी मूवी सीलो गिर जाती है, इतनी मूवी गिर जाती है कि मैं सर पकड़ के ऐसा बैठ गया। उसके बाद मुझे सुसु नहीं आया, मैं ज़बरदस्ती जाके सुसु निकाला, मैं बोला चलो यार करके आते हैं। उसके बाद हमारे बॉबी भाई, ये बैंड्रा वाले नहीं, हमारे बॉबी देवल, वो आते हैं स्क्रीन पर। भाई फिर मुझे लगा कि अब मूवी में मज़ा आएगा। संदीप रेड्डी वांगा ने जान फूंक दिया। उसके बाद जो बॉबी भाई की इंटरव्यू होती है ना भाई, बंदा ना वो 5 मिनट का जो एक्शन सिक्वेंस था ना, वो जो उसका एक्सप्रेशन था ना, सुहागरात मना लिया भाई, वो मर्डर करके डायरेक्ट सुहागरात मना लिया, पूरा भीड़ भाड़ में मना रहा वो। यार क्या खतरनाक एक्सप्रेशन चेहरे का, गुस्सा, मान गए बॉबी भाई, मान गए, क्या सीन था वो। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा, ये ठोट आपको आया कहाँ से? मैं बचपना में उसकी मूवी देखा था, बादल, बिच्छू, सोल्जर, भाई वो एक्शन क्या करता था। अब तो यार गोलमाल का तुषार कपूर बना दिया उनको, कुछ बोल नहीं रहे वो, उनको कम से कम एक डायलॉग, मतलब कि कहाँ से आया ये ठोट के इनको गुंगा बनाओ। यार सुपरस्टार रह चुके हैं वो 90s में, ये जो आजकल के सुपरस्टार बने हुए हैं ना, वो 90s के सुपरस्टार थे वो, उस वक्त बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दे दिए हैं वो। और सबसे बड़ी बात, उनको स्क्रीनिंग टाइमिंग कम है भाई, 15 मिनट। अरे भाई जो एक्सपेक्टेशन था बॉबी देओल को लेके, वो खरा नहीं उतरा। और ये लोग क्या किए, बॉबी देओल के नाम पे हाइप बना दिया, टीजर में एक झलक दिखा दिया, 1, 2, 3, वो मतलब समझ रहे हो, जाओ थिएटर में समझ में आ जाएगा, वैसे जो बोलता है ना वो समझ में आ जाएगा, जाके देख लो थिएटर में। मतलब पूरा हाइप बॉबी देओल के नाम पे, विलन है, क्या विलन है भाई, 10 मिनट के लिए विलन, लिटरली पूरा बॉबी देओल का ना काम और ज़्यादा होता ना, मज़ा आ जाता। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनका गलती हुई है, और मूवी को और भी छोटा कर सकते थे। चलो मानता हूँ कि इंटरवल तक मैं बैठ गया 1 घंटा 45 मिनट, लेकिन अगर इंटरवल के बात करें तो पब्लिक बोर हो रही थी, कुछ लोग मोबाइल चला रहे थे, पीछे हमारे सीट पे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, साला सुबह सुबह चुम्मा चाटी देखने को मिल गया मेरे को। मतलब कि यार क्या था वो, इतना स्लोपन आया था मूवी के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया मूवी सेकेंड हाफ। लेकिन फर्स्ट हाफ यार पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल। और फर्स्ट हाफ में जो BGM है ना, BGM जो बजता ना बैकग्राउंड में, ऐसा लगता है कि पूरा थिएटर में गूंज रहा हो BGM, और वही BGM अब मिस करोगे सेकेंड हाफ में। तो कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा ने ना सेकेंड हाफ पे ध्यान नहीं दिया, वो जो वायलेंस था ना पूरा आपने फर्स्ट हाफ में ही दिखा दिया, सेकेंड हाफ में आप सिर्फ क्लाइमेक्स में एक्शन डाल रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पब्लिक को डिसअपॉइंट कर सकती है। और ख़ासकर जो बॉबी देओल का फैंस है ना, और ख़ासकर बॉबी देओल के जो भाई हैं सनी देओल, उनके फैंस भी जाएंगे, क्योंकि उनके गदर 2 ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हुई है, तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे ही देखने, तो उनको बहुत बड़ा डिसअपॉइंट देखने को मिलेगा। उनको तो फर्स्ट हाफ में तो बॉबी देखने को नहीं मिलेंगे, अगर सेकेंड हाफ में मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है बॉबी देओल के फैंस तो गाली देख के ही बाहर निकलेंगे। देखो रणवीर कपूर के बारे में बोलूँगा फुल पॉजिटिव, मतलब कि बंदे ने ना संजू के बाद जो एक्टिंग किया है ना, ज़बरदस्त किया। मैं तो बोलूँगा ना कि रणवीर कपूर से चुम्मा चाटी कराना बंद कर दो, डांस वगैरह कराना बंद कर दो, तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्में करना बंद कर दो, आप ऐसी ऐसी फिल्में करो एक्शन, क्योंकि आप ऐसा लगता है कि सलमान खान के बाद एक्शन स्टार आप ही हो। मतलब जिस तरीके से उनका स्वैग दिखा ना, वो जो कुल्हाड़ी से मर्डर करता ना भाई, हाँ कसम, जिस तरीके से लुंगी उठा उठा के काटता ना, मेरे को तो अंडरबियर भी दिख गया, वो अंडरबियर नहीं पहना बंदा, दूसरे से अंडरबियर पहन के मार कर रहा है। तो यार फुल मासेस मूवी है, फुल मास ऑडियंस को पसंद आएगी ये, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ा सा बोरिंग लगती है मेरे को। देखो मूवी की बात करें तो मैं मूवी को 3 स्टार दूंगा, 2 स्टार इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंटरवल के बाद मूवी अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैं 2 स्टार कम दे रहा हूँ, लेकिन मूवी के लिए 3 स्टार पूरा। जब ये हैदराबाद में लोग प्रेस मीट के लिए गए थे जी, तो एक कोई पॉलिटिशियन था, वो बोला था कि हाँ साल में तेलुगु इंडस्ट्री पूरा राज करेगी। भैया नाम क्या उनका, चचा, मतलब कि तेलुगु इंडस्ट्री बॉलीवुड पर राज करेगी 2022। याद दिला दूँ आपकी, 2022 में ना साउथ इंडस्ट्रीज़ का कब्जा हो गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन फिल्में आई थी, KGF Chapter 2, RRR, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा, लोग यहाँ तक बोल दिए थे भाई बॉलीवुड ख़त्म, बॉलीवुड बोरिया बिस्तर बांध लो, चले जाओ, कुछ हमारे चूतिया यूट्यूबर्स जो यहाँ पे खाते हैं और यहीं पे हकते हैं, वो लोग भी बोलने लगे कि बॉलीवुड बर्बाद हो गया, बॉलीवुड ऐसा हो गया, बॉलीवुड वैसा हो गया। लेकिन हमारे शाहरुख भाई, जब मैं आता हूँ तो मौसम ही बदल देता हूँ, तो भाई ने जो मौसम बदला ना पठान के बाद, देख लो आज भाई रणवीर कपूर जैसा स्टार 50 करोड़ ओपनिंग दे रहा है, तो सोच सकते हो कि बॉलीवुड कहां से कहां चला गया। और ये जो बोल रहे ना तेलुगु इंडस्ट्रीज राज करेगी, भाई तेलुगु इंडस्ट्रीज ना जिंदगी में कभी राज नहीं करेगी। मानता हूं कि RRR चली गई,
पुष्पा चली गई यहाँ पे, ब्लॉकबस्टर हो गई। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड बर्बाद हो गया भाई। बॉलीवुड कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और कल भी आबाद रहेगा, हमेशा आबाद रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ इंडिया तक नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में फेमस है। मानता हूँ कि ट्रिपल आर को मिला कौन सा अवार्ड, ऑस्कर गाने को मिला था, चलो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान की मूवी है। आप ना ऐसा मत बोलो कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजीवुड, आप इंडियन सिनेमा बोलो, इंडियन सिनेमा। आप भी हिंदुस्तान के हो, हम भी हिंदुस्तान के हैं, तो हम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी मूवी अवार्ड जीत रही है, तो हमारी भी मूवी अवार्ड जीत रही है, तो हम लोगों को प्राउड फील होता। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप ये तेलुगु मूवी है तो ये है, नहीं, हमारी पूरे इंडिया सिनेमा। आज देखो ये जो डायरेक्टर है कौन है भाई, तेलुगु इंडस्ट्रीज़ के है, बाकी के एक्टर कौन है, बॉलीवुड के है, तो आप लोग मिलकर ना 50 करोड़ कमा रहे हो। तो संदीप रेड्डीवांगा दम है तो तेलुगु मूवी के स्टार कास्ट को लेके आप यहाँ पे रिलीज करो और 50 करोड़ का ओपनिंग करके दिखाओ, साला मैं वायरल बॉलीवुड पे आना बंद कर दूंगा। मूवी अच्छी है, मूवी अच्छी है, बट नॉट अप टू मार्क, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। स्टोरी को ज़्यादा खींच दिए हैं, 3.5 घंटे की मूवी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई। इंटरवल के पहले तक जो हमारे हिसाब से 1.5 घंटे के आसपास मूवी है वो बेस्ट है, लेकिन इंटरवल के बाद मूवी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और अच्छी बन सकती थी। बाबी देओल का रोल मेन विलन उनको दर्शाना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रोल था, 5 से 10 मिनट के अंदर उनको निपटा दिया। बाकी मूवी फिर भी देख सकते हो, बट नॉट अप टू मार्क मूवी थी और अच्छी बन सकती थी। कबीर सिंह जैसी मूवी हो सकती थी बट नहीं हुई, फिर भी मूवी अच्छी, आप देख सकते हो। रणबीर कपूर के लिए देखना आप देख सकते हो, और अगर आपको एक्शन देखने का तो मज़ा आएगा आपको। रश्मिका की एक्टिंग अच्छी थी, बट सीख रहे भी हो हिंदी में, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया। मेरे हिसाब से स्टोरी थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, स्टोरी क्या था बहुत खींच दिया उन्होंने इंटरवल के बाद। एक्चुअली जो भी मटेरियल हमने ट्रेलर में देखा है वो सब इंटरवल के पहले आ चुका है, थोड़े खाली बाबी देओल का एंट्री इंटरवल के बाद वो पहले हो जाना चाहिए था। बाबी देओल मेन विलन दिखा रहे, इतना बॉडी बना भाई, 7-8-10 मिनट का रोल भी नहीं है प्रॉपर, वो आए बस वो फाइटिंग सीन अच्छा था रणबीर सिंह का, रणबीर कपूर का और उसका बाबी देओल का, और बना सकते थे। राइटिंग में गड़बड़ी हुआ लेकिन फिर भी अच्छी मूवी, आप देख सकते हो, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। लेंथ बहुत ज़्यादा, अगर स्टोरी और अच्छी बिल्डअप रहती ना, इंट्रोल के पहले आपको 1.5 घंटा पता नहीं चलेगा, बहुत फटाफट निकलेगा, लेकिन इंट्रोल के बाद मूवी बहुत स्लो हो जाएगी, फिर लास्ट के 1/2 घंटे में जाके थोड़ा पिकअप करेगी, जहाँ पर बाबी देओल का और रणबीर कपूर का फाइटिंग सीन आएगा। अच्छी और हो सकती है, तो मज़ा नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रणबीर सिंह जो संजू में हुआ था ना, संजू के बाद ही उनकी तीसरी मूवी है, संजू पहली, मतलब जब से उनका आई कमबैक हुआ, और अच्छा बना सकते थे, फिर भी मूवी चल जाएगी, आई थिंक सुपर हिट हो जाएगी आराम से। रणबीर कपूर के एक्टिंग बहुत अच्छी है, खाली जो गलती हुआ ना राइटिंग में हुआ, मूवी स्लो हो गई, बाकी एक्टर ने किसी भी खराब एक्टिंग नहीं किया। अगर आपको एक्टिंग देखनी आ पाओ, एक्शन देखने का पा सकते हो, गाने भी सब अच्छे, मजा आएगा। और बेटे और बाप की बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब एक बेटा रहता है जो बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें मूवी में दिखाया है, ये अच्छी मूवी है। आउट ऑफ 5 स्टोरी को अगर रणबीर एक्टर लोग की बात करें तो 5 में 5 और मूवी के लिए 3-3.5 दे सकते हैं, फिर भी अच्छी मूवी आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा 3.5 घंटा। थैंक यू। बहुत ज़्यादा ही स्लो फिल्म है, बट ठीक है, एक बार देख सकते हो, वन टाइम वॉच है बस। और रणबीर कपूर का काम बहुत अच्छा है, बहुत कम है, 10-15 मिनट का तो काम है उसका, बट ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगा। सब सिर्फ आरके, ओनली आरके रूल्स, आरके एवरीवेयर, ब्रिलियंट, ही इज ब्रिलियंट। हाँ वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। 2.5 मैं थोड़ी, पर ठीक लगी मेरे को फिल्म। क्या कमी लगी या क्या अच्छा लगा? डार्क फिल्म है, एक्चुअली फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं है, तो इसीलिए आप थिएटर में देखोगे, थिएटर भी फुल नहीं था, आधे से मतलब 20% थिएटर भरा होगा, तो इतनी डार्क है कि मतलब मैं क्या बोलूँ। एक्टिंग अच्छी है, रणबीर कपूर की एक्टिंग अच्छी है, बाकी डायरेक्शन अच्छा है, एडिटिंग में बहुत ऊपर नीचे किया है, बीच में थोड़ा सा सो गया था बस, नहीं उतना मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब गदर देखिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे पठान और वो सब देखा है, उसके कंपैरिजन में ये नहीं बेटर लग रही थी। आई थिंक स्क्रिप्ट में कमी रहेगी, स्टोरी में बेसिकली, बिकॉज और लॉन्ग है फिल्म, 11 बजे घुसे थे, अभी वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं इतने बजे, शायद बहुत बहुत लॉन्ग है फिल्म।
बहुत लॉन्ग है। रणबीर कपूर मतलब इट्स अ वन मैन शो, रणबीर कपूर का शो है पूरा। बॉबी देओल ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंड में लास्ट में कुछ हो जाएगा, बट अभी मैं स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगा, बट ठीक था बॉबी देओल के, वो ओवर शैडो हो गया थोड़ा, रणबीर कपूर ने ओवर शैडो कर दिया, बल्कि उसको दिया था थोड़ा बहुत बॉबी देओल को करने के लिए, पर ओवर शैडो कर लिया रणबीर कपूर ने। रश्मिका का रोल ही नहीं है, रश्मिका का बहुत, और वो जो मीम आ रहा है जो मजाक उड़ा रहे हैं रश्मिका का कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है, वो एक्चुअली में सही है मीम, वो एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है वो, तो वो तो बहुत ही ओवर शैडो हो गई है रश्मिका तो। टू नहीं, अभी शायद लोग इतना नहीं आएंगे देखने के लिए, बिकॉज ये जो ऑडियंस अभी बाहर आई है यही रिव्यू देगी तो शायद